अगर आप लोगों ने सिडनी के पहाड़ देखने हैं तो चले मेरे साथ। ये जिस तरह बलूचिस्तान में ना कुछ ऐसे पहाड़ों पे ऐसे तंग रास्ते और ऐसे गोलाइयाँ और खतरनाक सड़कें हैं, यहाँ पे भी तकरीबन उसी जैसा कोई वो है मंजर, लेकिन यहाँ पे सड़कें थोड़ी सी खुली हैं और बनी हुई है, बस यहाँ पे इस वजह से आसानी होती है गाड़ी चलाने में। पता ये देखो जी, ओ तेरी खैर, ये भाई स्पीड लिमिट देखो 15 है। अच्छा स्पीड लिमिट 15 है लेकिन मैं 50 पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं हीरो हूँ। और ये चलो भाई, हम अभी चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, चढ़ रहे हैं तो पहाड़ पे पहुंच के फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि पहाड़ पे चढ़ने के बाद किस तरह का मंजर होता है। ये जो राइड आप देख रहे हैं ये दुनिया की स्टीपेस्ट रेलवे ट्रैक पे बनी हुई है और ये माउंटेन के टॉप से आपको बॉटम तक पहुंचाती है एंड वाइस वर्सा, मतलब नीचे से भी आप ऊपर जा सकते हैं। ये है भाई माउंटेन टॉप का व्यू, लेकिन उसके बावजूद इन पहाड़ों को ब्लू माउंटेन क्यों कहते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। अच्छा ब्लू माउंटेन्स जो है वो एक पहाड़ नहीं है बल्कि पहाड़ों की एक रेंज है और इसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो तकरीबन 4000 फीट अबव द सी लेवल है। तो अब ये मिस्ट्री सॉल्व करते हैं कि ब्लू माउंटेन्स का नाम ब्लू माउंटेन्स है क्यों। एक्चुअली यहाँ पे एक खास किस्म का दरख्त है जिसका नाम है यूकेलिप्टस ट्री, उससे ऑयल के वेपर्स निकलते हैं और जब सनलाइट उन वेपर्स पे पड़ती है तो वो एक ब्लूइश कलर का शेड देती है। दूर से जब आप इन पहाड़ों को देखते हैं तो वो ब्लू कलर के नजर आते हैं, इस वजह से इसका नाम है ब्लू माउंटेन्स। यहां से सब कुछ आपको लश ग्रीन नजर आएगा।
था सिडनी के पहाड़ों का ट्रिप। अस्सलाम वालेकुम।